भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अच्छा हुआ भाग गई। अरे इसी बहाने झंझट खत्म हुआ। नाक में दम कर रखा था उसने। ये लीजिए चाय। हम दोनों को तो लगा कि तू भाग गई। हाँ भाग ही गई थी, लेकिन फिर दीपक ने मुझसे एक बात कही। कौन दीपक? दीपक जो भीम को अपना गुरु मानता है, उसने मुझसे कहा कि अगर भागना हल होता तो भीम भैया भाग गए होते यहाँ से। भीम भैया कहते हैं समस्या का सबसे अच्छा हल हमेशा होता है समस्या का सामना करना, और आप भाग रही हैं। अच्छा तो तू अब यहाँ समस्याओं का सामना करने आई है। किसी भी रिश्ते में जो समस्या होती है वो सूखे पत्तों की तरह होती है। अगर आग लगाई जाए तो समस्या रिश्तों के साथ जल जाती है, लेकिन अगर फूंक मारे तो समस्या उड़ जाती है और बचते हैं रिश्ते। संबंधों के बीच जो समस्याएं होती है वो सूखे पत्तों की तरह होती है, फूंक मारने से कई बार वो हट जाती है। बस वही करने आई हूँ। अच्छा फिर हम भी फूंक मारकर तुझे इसी घर के किसी कोने में तिरस्कृत बहिष्कृत कर देंगे, और भीम जैसे समाज में सबसे अलग रहने के लिए श्रापित है ना, वैसे ही तुझे इस घर में सबसे अलग रहना होगा। फिर लगेगा ना कि भाई बहन दोनों एक जैसे हैं। सुना ना, तू इस घर में हम सबसे अलग रहेगी, और दूसरी बात हमने तुझे रहने के लिए छत दी है, रिश्ते का नाम दिया है, तो इन सबके बदले तुझे घर का सारा काम करना होगा, ठीक है? समझी? अब जा, तो भीम का पुतला उठा और घर का कोई एक कोना चुन ले और जाकर बैठ जा, तब तक हम ये चाय खत्म करते हैं। लीजिए चाय लीजिए। भाऊ सोच रहा हूं पुणे चला जाऊं, वहीं कुछ काम वाम ढूंढ लूंगा। पूरन जी आपने अभी बोल दिया, दोबारा मत बोलिएगा। अगर भीम रमा को पता चल जाएगा तो वो दोनों गुस्सा हो जाएंगे। हाँ गुस्सा तो होंगे ही, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि मैं अब मजबूत हो गया हूं उन्हीं दोनों को देख देख कर। इतनी कम उम्र में जिस तरह से भीमराव सारी समस्याओं को हल करता है, उनसे जूझता है, उनसे लड़ता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी कम उम्र में भीमराव में इतना कुछ है, देखिएगा एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बाबा हम काम पर जा रहे हैं, और पूरन काका शाम को जब मैं ऑफिस से लौटूंगा तब हम दोनों दरिया किनारे घूमने चलेंगे, ठीक है? हाँ सही है, बहुत सही। कल रात को श्यामला बिचारी भूखे प्यासे अपने कलेजे से भीम का पुतला चिपकाए मेरे भीम भैया करते करते यहाँ से चली गई,
अब पूरी रात से जाने कहां कहां भटक रही है। लेकिन उगे का पता ओके भीम भैया को तो अग्री कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, परवाह ही नहीं है, उनको तो दरिया किनारे घूमने जाना है। बहुत अच्छा। नहीं फुलिया काकी, अरे मैं खुद उन्हें रात में उनके घर तक छोड़ने गया था, वो कहीं भागी नहीं है। भीम भैया किसी को समझाए और वो ना समझे, ऐसा कमी होता है। और हाँ फुलिया काकी, रात में मैंने उन्हें खीर भी खिला दी थी, भूखी भी नहीं थी वो। यही खड़ी है, उससे कहा ना घर का कोई एक कोना चुन ले और जाकर बैठ जा। मेरा भाऊ भीम इसी बात की तो लड़ाई लड़ता है कि सब एक है, सारी जगह एक है, सारे लोग एक है, आपको जहां रखना है वहां रख दीजिए, मगर एक है के सिद्धांत पर अमल करने वाला एक अलग कोना कैसे बनाएगा। अच्छा चल तुझे तेरी सही जगह दिखाता हूं। छोड़िए छोड़िए, अच्छे से सबक सिखा रहा है शिशुपाल से, एकदम सही। मजा आएगा। चल के ये खबर सेठ जी को भी सुनाता हूँ और उस भीमराव का मजा लेता हूँ। चल। रसोई से अच्छी जगह एक औरत के लिए और कुछ नहीं है, रहो यही। वो शिशुपाल अनपढ़ है, तुम नहीं हो, वो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, तुम समझती हो। तुम्हारे लिए हर रिश्ते की कद्र होनी चाहिए। अपने हिसाब से कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश करो जिसमें तुम भी खुश रह सको और वो परिस्थिति उन्हें भी स्वीकार हो। रुकिए, क्या है? चाय पिलाई है, कुछ नेक नहीं देंगे आप? अरे पत्नी मानता ही नहीं हूँ तुझे, तुझे नेक क्यों दें? नौकरानी हूँ नहीं, घर के रिश्तेदार भी हूँ नहीं, तो किस रिश्ते से हूँ यहाँ? पति पत्नी के रिश्ते से ही ना। और आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ। और हाँ, मुंह दिखाई के लिए कोई किताब ला दीजिएगा। रे चुपचाप घर द्वार संभालो, किताब पड़ेगी। वो भीम पढ़कर पागल हो रहा है, मेरा भाई पढ़कर जेल चला गया और अब तू पढ़ेगी। अरे इतना कुछ हुआ नाटक? सेठ जी इतनी ठंड में भी सारी रात यही सब नाटक चलता रहा। और अंत में जो हुआ ना वो तो कमाल हो गया। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आओ आओ भीमराव आओ। हाँ तो सेठ जी कमाल ये हुआ कि ये जैसे समाज ये भीमराव जैसे लोगों को अपने से अलग थलग एक कोने में दबा कर रखता है ना, ठीक वैसे ही हमने श्यामला को भी घर से अलग थलग रसोई घर में ही सिमटा दिया है। तब वो वही रहेगी और घर का सारा काम करेगी। भीमराव हमारी बातों में अगर तुम्हारी बहन का जिक्र आता है ना तो उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। इतना ही नहीं सेठ जी, मेरा बेटा शिशुपाल रसोई घर में उसके सामने ही बैठा है, उससे पूरा खाना बनवाएगा और साथ में रोटियां भी गिनेगा। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ
दस, ग्यारह, बारह, तेरह और ये 14. 14 रोटी हुई कुल, तो 6 बाबा की और 8 मेरी. और तू, तू एक भी रोटी नहीं खाएगी, समझी? रह भूखी. पर रहेगी भूखे, रहे. सोचिए, ऐसी कड़कती ठंड में सारी रात रोती रही वो, पटस से मस नहीं हुई. कोई बात नहीं, आज जब सारा दिन भूखे रहेगी ना, तब समझ में आएगा उसे. समझाइए, समझाइए. जरूरी है भीम जैसे लोगों को और आपकी बहू को समझाना जरूरी है, अच्छे से समझाना जरूरी है. भीमरा, ऐसे बड़े अजीब आदमी हो तुम. कल तो बड़ी नौटंकी करते रहे, बहन है मेरी, बहन है. राज, जब सेठ जी से मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन वो श्यामला की पूरी कहानी बता रहा हूँ कि पूरी रात से भूखी है वो, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है? कैसे बेशर्मों की तरह अपना काम कर रहे हो? ये नहीं कि सोचे कि बहन है, भूखी प्यासी होगी तो कुछ करें. पर नहीं, ये सब इंसानियत का नाटक जो है ना, बस दिखाने के लिए है. बिल्कुल सच. ये तो हमदर्दी तब दिखाता है ना जब इसे दिखाना हो कि ये कितना महान आदमी है. बाकी कोई खाना खाए या भूखा रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सही सेठ जी, एकदम सही. दरअसल मैं यही देखने आया था कि जब मैं इसके सामने आपसे श्यामला की कहानी बताऊंगा ना, तो देखता हूँ कि ये क्या करता है. देखिए, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया इसने, बस चुपचाप अपना काम कर रहा है. जो करना था मैंने कर लिया. शोभा काकी, मैं हमारे घर में श्यामला दीदी के लिए खाना नहीं बना पाऊंगी, नहीं तो बवाल हो जाएगा. हाँ, हम पहले से पूरन काका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हम दोनों एक और लड़ाई नहीं लड़ सकते. भीम, रमा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगी. हाँ, और आपको जो लगेगा मैं दे दूंगी. कुछ नहीं लगेगा, और वैसे भी हम दो ही लोग तो हैं खाने वाले, थोड़े और राशन के खर्च से हम गरीब थोड़ी हो जाएंगे. मगर भीम, हम खाना खिलाएंगे कैसे उसे? भीम भैया, इसका उपाय बताइए ना. भूखी थोड़ी रहेगी मेरी बहन, खाना बनकर चला भी गया होगा. शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, क्या है? शिशुपाल जी, अरे दीपक कह रहा था कि आज भीमराव हमारे लोगों के बीच आपके व्यवहार के बारे में, जो आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, वो मामला उठाएगा और दो चार लोगों को अपने पक्ष में करेगा. अभी जाकर देखता हूं कि वो भीमराव कहां किससे मिलकर क्या कहता है. श्यामला, आ जाओ, मैं भी तुम्हारी काकी ही लगूंगी. आ जाओ, बैठ जाओ.
खाना खा लो। डरो मत श्यामला, भीम ने ही हमें यहाँ भेजा है तुम्हें खाना खिलाने के लिए। झेलो खा लो। ओ भीमराव, अरे कैसे आदमी हो तुम? हाँ, तुम्हारी बहन ऐसी कड़कती ठंड में भूखी प्यासी रहेगी, पर देखो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम्हें उसकी पीड़ा महसूस ही नहीं हो रही है। सच में बड़े गिरे हुए आदमी हो तुम। मेरी बहन ने तो खाना खा लिया होगा। आप अपने बेटे शिशुपाल को ढूंढिए। क्या बोला तुमने? जो आपने सुना वही। ओ भीमराव, अरे ऐसे कैसे खाना खा लेगी वो? हाँ, कौन खिलाएगा उसे खाना? और ये शिशुपाल को क्यों ढूंढूं मैं? हाँ, अरे मेघना जी, किसी केस बेस में फंसा तो नहीं दिया इसने? जाकर देखिए। ठीक है सेठ जी, देखता हूँ क्या किया इसने। आता हूँ। भीमराव, शिशुपाल को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लोगों से कहलवा कर ये भीमराव शिशुपाल को मरवा दे? अरे नहीं, भीम ने ये नहीं किया होगा। किसी को मारने के बारे में भीम सोच भी नहीं सकता। अरे जो आदमी एक पुराने घोषित हो चुके अपराधी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है, वो क्या किसी को मारने की साजिश करेगा? अरे सुनी, ये भीमराव दिखा क्या आपको? नहीं भैया, मैंने नहीं देखा। रुको, ये भीमराव यहाँ पर घूम घूम कर सबको कुछ समझा रहा था क्या? नहीं, वो किसी को कुछ नहीं समझा रहा था। भीमराव ने ऐसा क्यों कहा कि शिशुपाल को ढूंढूं मैं? हैं? शिशुपाल को तो बोला था मैंने कि घर पर रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो श्यामला से लड़कर घर से दूर तो नहीं चला गया? भीम को देखा क्या आपने? नहीं, हमें तो भीम नहीं दिखा। दिखा भी नहीं? शिशुपाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाबा, वो पता चला कि वो भीमराव यहाँ पर घूम घूम कर सबसे कह रहा है कि हम कितने बुरे लोग हैं और कैसे अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अरे वो तो हमारे साथ दब। अरे अरे अरे, अब समझा मैं। वो भीमराव किसी को कुछ नहीं बता रहा बेटा, ये सब उसकी चाल है तुझे घर से निकालने के लिए और उस चामला को खाना खिलाने के लिए। तभी बोल रहा था मुझे कि मेरी बहन खाना खा चुकी होगी, अब समझा मैं। कोई ना कोई तो उसे खाना खिला रहा है। चल चल कर देखते हैं, जो भी होगा ना आज वहां से वापस लौट नहीं पाएगा। चल 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 चल। बस बस शोभा काकी, पेट भर गया। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, अब देखो थोड़ा ही तो बचा है, खा लो। नहीं नहीं, बस छोड़ना नहीं चाहिए।
भीम भैया कहते हैं कि कोई अगर खाना लेकर आए तो सारा खा लेना चाहिए, और वैसे भी आपको ज्यादा खाने की जरूरत है, ताकतवर रहेंगी तभी तो लड़ पाएंगी उनसे। शोभा काकी आप खिलाइए, अब तो मैं पूरा खाऊंगी। जो भी खाना खिला रहा है ना उस श्यामला को, आज बस दिख मर जाए, उसे पकड़कर वहीं मार डालेंगे जान से, ताकि सबको समझ में तो आए कि हमारे घर में घुसने का क्या नतीजा होता है। श्यामला तुम चिंता मत करो, सिर्फ भीम ही नहीं बल्कि मैं जब तक हूँ तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी।